विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंसाद् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति संयम का उपदेश इस आधार पर टिका हुआ है कि जो भी आज हमारे स्वभाव में है वो सब का सब निर्मित है, हमारे ही द्वारा अर्जित किया हुआ है, हमने ही उसको अपने भीतर स्थापित किया है। कोई स्वभाव आज का स्थापित किया हुआ है, कोई स्वभाव कुछ वर्षों पहले का किया हुआ है और कोई स्वभाव पूर्व शरीर में अर्जित किया हुआ है। लेकिन जो भी हमारे व्यवहार के पीछे स्वभाव बैठा है, प्रकृति बैठी है, वो सभी की सभी अर्जित हैं और उनमें से किसी को भी प्राकृतिक, वास्तव में प्राकृतिक कहना ठीक नहीं है। तो चूंकि सभी की सभी वासनाएं अर्जित हैं, सारे के सारे संस्कार अर्जित ही हैं, सारा ही स्वभाव हमारा अर्जित ही है, अगर एक बार यह निर्णय ठीक से हो जाए तो अब हमारे पास जो विकल्प बचता है वो यही है कि कौन सा स्वभाव रखने लायक है और कौन सा स्वभाव छोड़ने लायक है, कौन सा ऐसा स्वभाव है जो आज हमारे पास नहीं है उसको अर्जित करना चाहिए, कौन सा स्वभाव ऐसा है जो हमारे पास है तो सही लेकिन वो वांछित नहीं है, हमारे विकास में, हमारी प्रगति में
अवरोधक बना हुआ है, तो ऐसे स्वभाव को, ऐसे संस्कार को तो छोड़ना है, उसका त्याग करना है। ये दोनों ही विकल्प हमारे पास हैं। वांछित प्रकृति को अर्जित किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, और अवांछित प्रकृति का त्याग निश्चित रूप से किया जा सकता है। इसका आधार है कि सारी की सारी ही प्रकृतियां अर्जित हैं और कोई भी ईश्वर से नहीं आई हैं अथवा त्रिगुणात्मिका प्रकृति से नहीं आई हैं। समाज में प्रायः ऐसी बातें कही जाती हैं कि कुछ इनहेरेंट चीजें होती हैं, इनबॉर्न होती हैं, नेचुरल होती हैं, और कुछ चीजें कल्टीवेटेड होती हैं। ऐसा शब्द बोला जाता है, कल्टीवेटेड हैं, सृजित हैं, निर्मित हैं। एक सामान्य निरूपण है, ये वास्तविक निरूपण नहीं है। वास्तविक निरूपण यही है, वास्तविक स्थिति यही है कि कोई भी ऐसी वासना नहीं है, कोई भी ऐसा स्वभाव है ही नहीं जो अर्जित ना हो। जो पुराना पड़ा हुआ स्वभाव है, जिसको कल हम बोल रहे थे कि वो हमारा हाल है, उसी को लोग प्रायः प्राकृतिक बोल देते हैं, इनबॉर्न बोल देते हैं, नेचुरल बोल देते हैं। वास्तव में ऐसा कोई नेचुरल चीज है नहीं। अगर हम किसी चीज को नेचुरल मानते हैं, प्राकृतिक मान लेते हैं, माने विचार से अगर ये सिद्ध हो जाता है, तो प्रकृति को कोई बदल नहीं सकता। न प्रकृति विरुद्धते, प्रकृति का कोई भी द्रव्य विरोध नहीं कर सकता। अग्नि की प्रकृति है स्वाभाविकी उष्णता, उसको बदल नहीं सकती। जल का स्वभाव है निम्न प्रदेश में बहना, ये बदला नहीं जा सकता। ये देखो, तो जो जब आप किसी चीज को मान्यता के स्तर पर ही, निर्णय के स्तर पर ही अगर सही न होवे, तो फिर आगे उसका कैसे संयम करेंगे, ये कठिन हो जाता है। कठिन नहीं, असंभव हो जाता है। सो प्रकृति शब्द किसी के लिए बोला भी जाए अगर, तो अंदर अर्थ समझते रहना चाहिए। वाल्मीकि डाकू वाल्मीकि ऋषि हो सकते हैं, अजामिल ऋषि दुष्ट हो सकते हैं, और दुष्ट से फिर से संत हो सकते हैं। अगर यह संभावना हमारे पास न होवे, तो कोई भी संयम की बात क्यों करेगा। इसलिए यह विश्वास और यह विवेक के प्रकाश में किया हुआ विकास, विश्वास विवेक से समर्थित विश्वास कभी छूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए कि ऐसा कोई भी स्वभाव नहीं है जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई भी स्वभाव नहीं है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। कोई स्वभाव गहरे बैठे होते हैं, उनको छोड़ना कठिन होता है। गोस्वामी जी ने उनकी असंभावना अथवा उनकी कठिनता को ध्यान में रख करके
कहीं ऐसा भी बोला है, मिटई न कठिन स्वभाव, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, स्वभाव को अभंग कह दिया। मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, लेकिन गोस्वामी जी ने ही फिर कहीं अन्यत्र लिखा, सठ सुधरही सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। तो गोस्वामी जी की एक ही पंक्ति को लेकर जीवन बनाया नहीं जा सकता, भिन्न भिन्न प्रसंगों में उनके भिन्न भिन्न मार्गदर्शन हैं। तो संयम का जो, संयम की बात क्यों कही जाती है, किस आधार पर कही जाती है, इसको जानना चाहिए। संयम कोई ऐसी बात नहीं है जिसका कोई आधार ही न हो, कोई प्रिंसिपल न हो, कोई दर्शन उसके नीचे न हो, ऐसा नहीं है। तो एक तो इस बात को गांठ में रखना चाहिए हमेशा, चूंकि सभी कुछ सृजित है। असल में जिसको आप प्रकृति कहते हो, जिसको न छोड़ सकते हो न तो प्राप्त कर सकते हो, वो है आपका अपना सच्चिदानंद स्वरूप। वही अहेय है और अनुपादेय है। जो स्वरूप है वो अहेय है और अनुपादेय है, स्वभाव नहीं, प्रकृति नहीं, आदतें नहीं। स्वरूप के अतिरिक्त तो जो कुछ भी है वो सर्वम हेयम उपादेयम च, वो प्राप्त भी किया जा सकता है और छोड़ा भी जा सकता है। इस मूलाधार पर संयम का उपदेश टिका हुआ है, और इस मूल को पकड़ करके फिर जो विकल्प बनता है कि किस प्रसंग में किस काम के लिए कौन सा स्वभाव वांछित है, उस स्वभाव का निर्माण फिर कैसे किया जाता है, ये तीसरा बिंदु आया। फिर उस स्वभाव को प्राप्त कर लिया, ये सिद्धि हो गई। मूलाधार पहले है, फिर कौन सा वांछित है ये भी तय करना पड़ेगा, ये दूसरा बिंदु हुआ। फिर अगर यह स्वभाव वांछित है तो उसको कैसे प्राप्त किया जाए, ये तीसरा बिंदु हुआ। और प्राप्त होने पर उसका स्वरूप क्या होगा, सिद्ध स्थिति क्या होगी, ये चौथा बिंदु हो गया। अब किसी को मानो युद्ध करना है, पर्पज ही वही है मानो, तो अब युद्ध की आवश्यकता के अनुरूप फिर स्वभाव की आवश्यकता पड़ेगी। वहां पर फिर व्यास जी का स्वभाव सार्थक नहीं होगा, सफल नहीं होगा, तो क्षत्रिय स्वभाव चाहिए। उस स्वभाव की प्राप्ति की एक विशिष्ट साधना होगी, वो बचपन से ही वो व्यक्ति शस्त्र विद्या पढ़ेगा, वो बचपन से उसी वातावरण में होगा, उसका आहार विहार वैसा होगा, उसको इसी उसी तरह से उसको विकसित किया जाएगा। तो अगर प्रभु राम को युद्ध करना है, शासन करना है, तो फिर उनको क्षत्रिय वंश में अवतार लेना होगा और उनको उसी तरह की प्रक्रिया से गुजरना होगा। ये तो लीला है, लेकिन बाकी जीवों के लिए लीला नहीं है, बाकी जीवों के लिए यथार्थ है। अगर किसी को व्यापार करना है तो फिर उसी तरह का एक स्वभाव चाहिए, जो प्रसंग है उसके विपरीत स्वभाव हो तो काम तो नहीं हो सकता। फिर
करना हो, व्यापार स्वभाव हो झगड़ा करने का, नहीं हो सकता। देखो तो प्रसंग के अनुरूप स्वभाव की आवश्यकता है, लक्ष्य के अनुरूप स्वभाव की आवश्यकता है। तो अगर किसी को परम पुरुषार्थ चाहिए, स्वरूपावस्थान का अगर किसी को लक्ष्य है, तो उसके लिए फिर एक विशिष्ट स्वभाव की आवश्यकता है, विशिष्ट प्रकृति की आवश्यकता है। और ये देखना पड़ेगा कि क्या वो प्रकृति है, एक, फिर वह प्रकृति कैसे प्राप्त की जाती है, प्रक्रिया क्या है, निर्माण प्रक्रिया क्या है, और फिर उसका अंतिम सिद्ध रूप क्या होना चाहिए। आपको दिखाऊंगा, भाष्यकार ने ही एक जगह ऐसा लिखा, तप शब्द आया तो उसका अर्थ किया उन्होंने कि यहां पर तप जो है वो विचारात्मक है और चांद्रायण आदि तप नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान और ज्ञान के अनुरूप वो तप नहीं होता। ये देखो, तो जो आपका लक्ष्य है उसके अनुरूप ही तप भी होना चाहिए। तो इस बात को तो पहले हमें, ये मोटी बात है, संयम के संबंध में ये मुख्य मुख्य बिंदु हैं। नाउ एक इनसे हट करके, चार बिंदुओं की बात करी मैंने अभी, इनसे हट करके एक बिंदु होता है कि जब संयम का हम अभ्यास कर रहे होते हैं तो संयम का क्षेत्र कौन सा है, नियमन का अधिकार, नियमन की संभावनाएं किन किन बिंदुओं पर हैं और किस प्रकार से हैं, उस पर भी विचार होना चाहिए। कल हमने कहा था ध्यायतः, इस पर विचार होना चाहिए। अगर शोभनाध्यास कहीं खंडित होता है, सुखाध्यास अगर कहीं खंडित हो जाता है, तो ध्यायतः हमारे असंयम में हेतु नहीं बन सकता। पहला और सबसे मुख्य बिंदु तो यही है, दुख दोषानुदर्शनम परीक्ष लोकान, इन वाक्यों को स्मरण करना चाहिए। दूसरा, मानव विचार में इतना बल नहीं है, ऐसे भी होता है। तो अब जो हमारे पास नियमन का क्षेत्र बचा, वो इतना बचा कि ऐसी चीजों के ध्यान से बचना चाहिए, कन्फ्रंटेशन से बचना चाहिए। अगर हम ये जानते हैं कि किसी चीज के प्रति अवेयर होना इंटरेस्ट जगाने का पहला कदम है, अगर हमको ये एहसास हो गया, जानकारी हो गई, तो ऐसी चीजों से अपने को दूर रखना, है ना, ऐसे उद्दीपकों को जो हमारी उस वासना को, उस संस्कार को दीप्त करने वाले हों, ऐसे उद्दीपकों को दूर रखना डिलिबरेटली, जानबूझ करके, यह एक संयम है। ये एक समझदारी पूर्वक उठाया गया कदम है। विषय विमुखता, विषय से दूरी बना के रखना। अगर हमें मालूम है कि ये चीज एलर्जिक है, शरीर के स्तर पर दृष्टांत दे रहा हूं, तो व्यक्ति क्या करता है, उन चीजों को
अवॉइड करता है, उसको सृष्टि से हटा नहीं सकता। लेकिन वो चीज अगर हमारी थाली में भी आ गई तब भी हम उसको नहीं खाएंगे। तो अवॉइडिंग द थिंग, द वेरी थिंग इट्सेल्फ, और वो डेलिबरेटली होना चाहिए, जानबूझ करके होना चाहिए, प्रयास पूर्वक होना चाहिए, तब वो एक संयम का स्वरूप बनता है। ऐसे साधकों के इस क्रियाकलाप को, अथवा अगर कोई साधक इस तरह का कुछ क्रियाकलाप करता हो तो वो कह सकता है कि ये त्याग का अभ्यास है, त्यागी है, वैराग्य तो नहीं है। वैराग्य तो तब हुआ जब उसमें सुखाध्यास खंडित हो गया, शोभनाध्यास खंडित हो गया, लेकिन सुखाध्यास है, शोभनाध्यास है, लेकिन तो उसमें त्याग किया जा सकता है, दूरी बनाई जा सकती है। उससे लाभ होता है कि धीरे 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 जो वासना का बल है वो क्षीण होता है, उसको अभिव्यक्ति का अगर हम बहुत अवसर न देते हों तो वह चीज धीरे धीरे हमारे स्वभाव के पीछे चली जाती है, हमने पहले भी कहा था, और नया स्वभाव उसकी जगह ले लेता है। स्वभाव के साथ ये एक शुभ बात है कि स्वभाव को पीछे किया जा सकता है, ओझल किया जा सकता है, जो नया स्वभाव है वही हमारे लिए निरंतर व्यवहार में हेतु बनता है। अगर हम नए नए सत्संगी हैं और पहले अगर हमने मान लो सत्संग का व्यवहार न किया हो, दुसंगी भी पहले रहे हो, तो वैसे तो ये बात कही जाती है व्यंग में कि 70 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली, लेकिन चली तो सही, उसमें बुराई क्या है? नहीं, इसमें क्या बुराई है कि कोई देखो इतना गलत आदमी था, अब जो है उसने साधना शुरू कर दी है, तो क्या गलत काम शुरू किया क्या? क्या ये आशा की जाती है कि नहीं वो वैसे ही दुष्टाचरण करता रहे? तो जो लोग ये कहते हैं ये बिल्कुल सामाजिक साधारण धरातल पर जीने वाले लोग हैं, उनकी बात को कभी महत्व नहीं देना चाहिए। जब जागे तभी सवेरा, सवेरा तो तब है जब आप जगे। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यहां तो एक थोड़ी देर के लिए भी व्यक्ति होश में आता है, निश्चित है कि उसको लाभ होगा। वही थोड़ी थोड़ी देर का जो होश है वो संचित होकर के उसको एक दिन साधक बना देगा, पक्का है। इसलिए वी हैव टू काउंट आवर ब्लेसिंग्स ऑल्सो। इफ वी आर फीलिंग गिल्टी अबाउट आवर फॉल्स समटाइम, देन वी शुड बी प्राउड और वी शुड बी हैप्पी विद आवर सक्सेस ऑल्सो, वाई नॉट। जब जब हम सफल हुए हैं, जब जब हम विजयी हुए हैं, जब जब हमने कुछ अच्छा किया है, तो उन क्षणों को याद करके आशा का संचार करना क्यों नहीं हो सकता? एक आदत हो जाती है मन की, हमेशा अंधेरे को देखना। संत का यह अभ्यास नहीं होता और भगवंत का भी यह अभ्यास नहीं होता। भगवान बोलते हैं अपिचेत सुदुराचार, माने इससे ज्यादा तो कोई कृपा का वाक्य हो ही नहीं सकता। दुराचार नहीं कह करके उन्होंने
सुदुराचार कह दिया, बताइए भला। सामाजिक लोगों में तो हिम्मत ही नहीं, हिम्मत क्या उनका स्वभाव ही नहीं होता, वो तो अपने गिरने का पता नहीं व्यक्ति भूल जाता है, दूसरे के कदाचित गिरने पर उसको मजा आता है। तो ऐसे लोगों का क्या, वो आपके लिए कभी भी प्रमाण नहीं होने चाहिए। वो प्रामाणिक नहीं है, ना उनकी बातों का कोई प्रामाण्य है। वो आपकी तितिक्षा बढ़ाते हैं या आपके किए हुए कुछ अशुभ कर्मों को बड़ी उदारता से ले लेते हैं। आखिर कोई अशुभ कर्मों को भी लेने वाला चाहिए, तो तत्वबोध में आपने पढ़ा ही कि वो अशुभ कर्म किधर जाते हैं। तो इसलिए उनका भी वंदन कर लो आप। आशा की ओर देखना चाहिए, प्रकाश की ओर देखना चाहिए। तो त्याग का अभ्यास है अथवा फिर वैराग्य का अभ्यास है। ध्यायतो में ही दोनों बात हो गई, गॉट इट। ध्यायतो शब्द में ही दोनों चीजें प्रकट होती हैं। सुखाध्यास कटा तो वैराग्य हो गया, और अगर वो नहीं कटा तो भी आई एम नॉट ए होपलेस केस, तब भी हम उससे दूरी बना करके अपने स्वभाव को, जो शुभ स्वभाव है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो केवल दूरी बढ़ाने से तो नहीं होगा, जो शुभ है उसकी संगति करनी पड़ेगी, और जो अशुभ है उससे दूरी बढ़ानी पड़ेगी। पिछले सत्र में पुलिस के लोग यहां आते थे, हमारे अफसरों ने कहा कि कुछ पुलिस के लोग बहुत ज्यादा शराब पीने लगे हैं, तो उनके हाथ कांपते हैं और वो दौड़ तो सकते ही नहीं, और वो कोई अफसर आया था, उसकी इच्छा थी इनको सुधारा जाए। तो उन्होंने हमें भी फोन ऑन किया, हमने कहा अच्छा आने दीजिए। तो वो शाम को आते थे ये गीतिका के बैच में, तो वो एक क्लास लास अटेंड करते थे, माधवानंद जी लेते थे और फिर आरती करके फिर जाते थे वो। तो पहले दिन हमने इनॉग्रेशन किया उसका, तो हमें यही समझ में आया, वही मैंने कहा, मैंने कहा भाई कपड़ा गंदा है, कपड़ा गंदा है, ऐसा कहने से कपड़ा साफ हो जाता तो साबुन की फैक्ट्री ही नहीं लगती अब तक। ये कह के कहने वाले भले ही एक कहना चाहिए अनहेल्दी मनोरंजन करते हो अपना, क्योंकि उससे उनका स्वभाव गंदा हो जाता है, उनकी वृत्ति खराब हो जाती है। लेकिन जिसके लिए वो कहते हैं उसका कपड़ा कभी साफ नहीं होता कहने कहने से। मेरा कपड़ा गंदा है, यस वी नो इट, अब उसमें साबुन लगना चाहिए। बोले पहले ही उसमें मैल इतनी लगी हुई है, बोले एक चीज और डाल रहे हो उसमें। बोले एक चीज नहीं डाल रहे हैं, एक ऐसी चीज डाल रहे हैं कि जब वो निकलेगी तो वो गंदगी को लेके निकल जाएगी, और सच में कपड़ा कभी गंदा नहीं होता। कपड़े में जो मलिनता है वो आगंतुक है, और जो स्वच्छता है वो स्वाभाविक है, नहीं? मैल हमेशा बाहर से आती है, स्वच्छता कभी बाहर से नहीं आती। कोई ऐसा है जो कपड़े में स्वच्छता बाहर से लाता हो? ये कपड़े का स्वभाव है। हमारे हृदय सत्वगुण से बना हुआ है, सूक्ष्म पंचमहाभूत के सत्वांश से यह हमारा अंतःकरण निर्मित है, वो क्यों गंदा होगा?
उसका स्वभाव नहीं है, वो मलिनता आगंतुक है, उसमें भजन का साबुन डालना चाहिए, सत्संग का साबुन डालना चाहिए, स्वाध्याय का साबुन डालना चाहिए, जप का, प्राणायाम का, योग का, माने एक अच्छा स्वभाव विकसित करने का उपाय करना चाहिए, बजाय इसके कि कंप्लेन करते रहें कि जी मेरा स्वभाव खराब है। तो मेरा स्वभाव खराब तो जप करो बैठ के, इससे आज तक अगर किसी को लाभ हुआ हो तो फीलिंग गिल्टी ऑल द टाइम, ब्लेमिंग टू मच, बिल्कुल गलत बात। त्याग भी हो, भजन बढ़ाया जाए, संयम क्यों नहीं होगा, स्वभाव में परिवर्तन क्यों नहीं होगा, चमक क्यों नहीं आएगी। दूसरा है संघ, हमने कल कहा संघ के साथ असहयोग होना चाहिए। तीसरा जो नियमन का क्षेत्र दिखाई देता है, जैसे कामना के बिंदु पर अगर हम पहुंच गए तो भजन की औषधि वहां भी लगती है। कामना परमात्मा को अर्पित की जा सकती है कि ये मेरी इच्छा है, जेन्युइन इच्छा है, तीव्र इच्छा है, मैं चाहता हूं, लेकिन फिर पता नहीं आपकी इच्छा है कि नहीं। तो जब हम अपनी बात को अपने इष्ट के सामने, अपने प्रभु के सामने रखते हैं, तो वो जरूरी नहीं कि फिर जो हमारी इच्छा है वही उनकी भी इच्छा हो। देन ही विल डिसाइड कि ये आपके लिए हितकारी है या नहीं है। इस प्रसंग में आपको मैं रामायण की कथा का स्मरण कराता हूं। ये संयमोपनिषद है, 11 श्लोकों में, बल्कि 13 श्लोक समझिए लेकिन मुख्य 11। नारद जी महाराज जब निकले भगवान के यहाँ अभिमान इत्यादि को दिखा करके, तो उनको एक माया नगरी सामने दिखाई दी और वहाँ एक राजा है और वहाँ विश्वमोहिनी करके कन्या है। जब उसका हाथ उन्होंने देखा तो आपने पढ़ लिया होगा, वो तो पाठ कर लिया होगा, तो वो ध्याय तो शुरू हुआ वहाँ। हाँ, उस शब्द को देखना वहां घटता है, इसलिए वेदांत व्याकरण होता है और मानस, भागवत, महाभारत ये साहित्य होता है। जिसको साहित्य का आनंद लेना है उसको व्याकरण जरूरी है, लेकिन आप ये भी जानते हो कि व्याकरण का आनंद लेने वाले कम होते हैं, साहित्य का आनंद लेने वाले ज्यादा होते हैं। बिना व्याकरण के भी वो भी नहीं मिल सकता, लेकिन केवल व्याकरण में मजा ले लेना ये सबके बस की बात नहीं होती। तो अब देखो इस व्याकरण को उस साहित्य में देखो। नारद जी का ध्याय तो शुरू हुआ और इतना हुआ कि बिल्कुल शत्रु प्रत्यय लग गया वहां। हाँ, वो महाराज भूल गए कि मैं हाथ देखने के लिए मैंने हाथ पकड़ा है, कोई हाथ लेने के लिए हाथ नहीं पकड़ा है, देखते रहे। उनके पिता को कहना पड़ा कि महाराज क्या लिखा है अब वो परेशान। तो उन्होंने देखो आदमी की नियति ऐसी हो तो उन्होंने पहला झूठ बोल दिया वहां कि नहीं नहीं अच्छा अच्छा है, सब शुभ शुभ है, बताया नहीं उन्होंने। लिखा क्या था कि जो जो इसका पति होगा वो अजर होगा, अमर होगा, त्रिलोकपति होगा और अखंड साम्राज्य वाला हो, ये सब लिखा था, वो बताया नहीं। गुड़ो बोले सब अच्छा है, काफी अच्छा है। और इसके बाद महाराज जो ध्यान शुरू हुआ,
नगर से चले और निरंतर अखंड आज्य धारया स्रोतसा समम शुरू हुआ। जप तप कछु न होई तेहि काला, कैसे है विधि कवन मिले कवन विधि बाला, ऐसे कुछ वाक्य है याद नहीं आ रहा है। कैसे नहीं देखना नहीं है, है? हाँ दो बार विधि आ गया इसलिए गड़बड़ हो गई। हे विधि मिले कवन विधि बाला, बस एक ही ध्यान हो रहा है। तो गीता जी का पहला जो शब्द है वो तो एकदम सिद्धि हो गई उनकी, ध्यायतो विषयान, और शोभना ध्यास पूर्वक है कि ये इतना बढ़िया शुभ अवसर हो ही नहीं सकता कि किसी से शादी कर लेने मात्र से मैं अमर हो गया, अजर हो गया, त्रिलोकपति हो जाऊंगा। लिखा उल्टा था कि जो पहले त्रिलोकपति होगा उससे इसकी शादी होगी। उन्होंने क्या पढ़ा कि जिसकी इससे शादी हो जाएगी इसके बाद वो त्रिलोकपति हो जाएगा। लो आदमी जब संभोग में पड़ा हुआ हो ना तो कई बार उल्टा ही पढ़ लेता है। अब बोले ये तो ऑल इन वन है, बस इस तो कर लेना चाहिए। अब जहां अभिमान दिखा करके आए थे वहीं महाराज पहुंचे भगवान के पास, संग भी हो गया, ध्यान भी हो गया, कामना भी हो गई, और तीनों तीव्रतम रूप में हो गए। अब नारद जी ने ऑपरेशन कहां किया वो देखो, उन्होंने ऑपरेशन किया कामना के स्तर पे, संग पे नहीं, संग तो आगे चला गया। कहां पे कल्याण हुआ कि उन्होंने अपनी कामना प्रभु के सामने रखी, बस मालिक साहब के सामने जाके कहा, सीधे सीधे शब्दों में कहा, महाराज थोड़े दिनों के लिए उधार में अपना रूप हमको आप दे दो। बोले क्या करोगे? बोले वो हम क्या करेंगे, छोड़िए मैंने इतना भजन किया है आप इतना नहीं कर सकते। मैं तो कुछ हमेशा के लिए मांग नहीं रहा हूं, अपना रूप दे दो क्योंकि मेरे रूप पर कोई जयमाला चढ़ाने वाला नहीं है। तो इतनी लंबी चोटी खड़ी रहती है कौन जयमाला पहनावेगा, है तो आपन रूप अपना दो। और फिर आदत वसात जो अभ्यास था भजनानंदी का, वो अभ्यास के कारण ही कहिए या भाव से कहिए, उन्होंने कहा जेहि विधि होइ नाथ हित मोरा, करहु सुबेगि दास मैं तोरा। ये पंक्ति जैसे ही बोली भगवान ने कहा जेहि विधि होइ ही परम हित। नारद जी बिल्कुल ठीक है, जैसे आपका परम हित होगा वो मैं करूंगा, आप निश्चिंत रहिए जाइए। नारद जी को लगा डन काम हो गया, और बिल्कुल पहले फ्रंट लाइन में महाराज, बोले क्यों टाइम जाया करना। बैठे और आप जानते हो भगवान ने बनरे की शक्ल दे दी थी। ये लाल मुंह वाले नहीं, मेरे ख्याल से लंगूर वाला दिया होगा। और फिर भगवान स्वयं आए और विवाह हुआ, चले गए। तो व्यवहित वो जो काम है उसमें व्यवधान पड़ा, व्यवधान किसकी ओर से पड़ा, परमात्मा की ओर से। तो क्रोधो भी जाए थे, आप सोचो कामना प्रतिहत प्रतिहतात कुतश्चित, किसी की ओर से कामना में बाधा पड़ने पर चित्त क्रोधाकार होता है। अब नारद जी का चूंकि सब कुछ 100% था, ध्यायता 100%, संग 100%, कामना भी 100%,
तो क्रोध भी महाराज फिर उसी मात्रा में बोले, दैहू साहब की मरियो जाई लो, भगवान को मारूंगा जाके। अरे माने ऐसे ऐसे भक्त हैं प्यारे प्यारे भगवान के। भगवान शंकराचार्य लिखा गुरुम अपि आक्रोशति, यहां तो भगवान अपि भगवंतम अपि आक्रोशति बोले, और सामने पड़ जाने पर भगवान भी परम कौतुकी हैं। बीच ही पंथ मिले, एकदम रास्ते में चलते ही बीच में पड़ गए महाराज, और वो भी नहीं अकेले, वो साथ में नारद जी का जो ध्येय वस्तु था वो भी साथ में थी, लक्ष्मी जी थी वो तो साक्षात। तो बोले महाराज, बहुत उन्होंने अब शब्द कहे नारद जी ने, कितने बड़े भक्त थे, स्तोत्र एक भी याद नहीं। उन्होंने कहा, दुनिया भर से तुमने धोखा किया है, शिव जी को विष पिला दिया और स्वयं कौस्तुभ मणि और पता नहीं क्या क्या ले गए, फिर बाद में पूछा भी नहीं विष पीने के बाद कि आपको भी कुछ चाहिए, मान लिया तुमने कि उनको तो वैसे ही कुछ नहीं चाहिए, वो तो रहते हैं हिमालय में, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं, हाथी घोड़ा तो निकल रहा है निकलता रहे, हम लोगों को चाहिए। दुनिया भर से तुमने साजिश कर रखी है, तुम्हारा अभिमान इतना बढ़ गया है, और क्या क्या बोला भगवान के लिए, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मने करे सोई सोई, जो मन में आता है वो करते हो, अब तुम्हारा पाला पड़ा है लो, भले भवन अब बायन दीना, पावोगे फल आपन कीना लो, अब फलदाता हम हैं, जगत नियंता को फल देने के लिए अब जीव तैयार है, अब मैं दूंगा तुमको। कामात क्रोधो भी जाए थे, पूरा सीन है इस श्लोक का, वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोलना चाहिए, सम्मोह, सामने कौन है और मैं कौन हूं, मेरा इनका क्या संबंध है, स्मृति विभ्रम, ये नारद जी की स्थिति है। स्मृति भ्रंसात बुद्धिनाशः, वो सब हो चुका था, बस प्रणश्यति नहीं हुआ, बुद्धिनाशात प्रणश्यति वो नहीं हुआ नारद जी का। तो परमात्मा के सामने रखा ना कामना, ये भी एक संयम है, भक्ति का संयम है। श्रद्धा का आश्रय लेकर के इस विश्वास में कहीं रेखा नहीं आनी चाहिए, परमात्मा हर हाल में रक्षक है, हर हाल माने हर हाल, कोई सिद्धांत उनके ऊपर नहीं जाता, उनके नीचे ही रहता है। बोले अब ये पतन का एक सिद्धांत है, बोले कोई सिद्धांत विद्धांत नहीं है, एक सिद्धांत सबसे ऊपर है, नमे भक्त प्रणश्यति, यहां लिखा बुद्धिनाशात प्रणश्यति, भगवान ने कहा गीता में, मैंने एक और लिखा है वो भी याद रखा करो, नमे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए चाहे कोई कैसा भी हो, अगर सचमुच में परमात्मा की शरण में है, सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, ये क्या उसका कोई उल्लंघन कर सकता है, ये भरोसा साधक का कभी टूटना नहीं चाहिए। सारी परिस्थितियां उनके हाथ का खिलवाड़ है,
अंदर बाहर दोनों एक क्षण में कुछ का कुछ हो सकता है। तृणमपि वज्रो भवति इति उपपद्यते। तो सब अपने ही भरोसे साधन करना ये कुछ लोगों को अच्छा लगता होगा, लेकिन वो बहुत सही तरीका नहीं है। भगवान का भरोसा लेकर के, आश्रय लेकर के साधन करना चाहिए। क्रोधात्, इस स्तर पर भी थोड़ा नियमन है। क्रोध आने पर भी अगर पूर्वाभ्यास हो ना शिष्ट व्यवहार का, इसीलिए प्रतिदिन हर क्षण अपने को शिष्ट से शिष्टतर बनाना चाहिए। जब परिस्थिति न हो तो छोड़ना नहीं चाहिए, उद्दंड नहीं होना चाहिए, खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। परिस्थिति न होने पर भी व्यक्ति को निरंतर शिष्ट, शिष्टतर होते रहना चाहिए। इसका लाभ यह है कि जब परिस्थिति कभी ऐसी आ जाए जो उग्र है, मर्यादा तुड़वा सकती है, तब जो पूर्वाभ्यास है वो हमको बचाता है। ये हमने तत्वबोध में भी बोला होगा कि शम जब टूट जाता है तब दम आता है मदद करने के लिए। इसलिए दम क्षणिक नहीं है, तात्कालिक नहीं है। दम शिष्टाचार का दीर्घकालिक अभ्यास है। जिसको आप शब्द और गाली देने का अभ्यास नहीं, वो नहीं दे सकता, उग्र होने पर नहीं दे सकता, उसको कौन बचाता है। जो रोज माता पिता बड़ों का गुरुजनों का चरण स्पर्श करता हो, प्रणिपात करता हो, चाहे जितनी विकट परिस्थितियां आ जाए, वह व्यक्ति अधिक से अधिक चुप हो जाएगा, नहीं आवेगा, हट जावेगा, लेकिन कोई बात नहीं बोल सकता। और जो माता पिता के साथ हास्य विनोद करते हैं, हाथ मिलाते हैं एक दूसरे, ऐसा व्यवहार हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं वी आर गुड फ्रेंड्स, भगवान ने आपको बाप बना के भेजा, आप गुड फ्रेंड्स बोल रहे हो, तो किसी दिन भोगोगे और क्या करोगे। भगवान ने आपको बेटा बनाया, आप जो है वहां पर आप, ये तो अशिष्ट बात है कि आप कहो कि वी आर गुड फ्रेंड्स। भगवान को अगर यही मंजूर होता तो आपके मित्र ही बना के भेजते। तो आपको उन्होंने एक खास रिलेशन में पैदा किया। तो जब हम अपना व्यवहार बिगाड़ते हैं तो परिस्थिति जब उग्र आती है तब तो हमको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए क्रोध के स्तर पर भी संयम की संभावना बनी रहती है यदि पहले से व्यक्ति शिष्ट हो, सुशील हो, शीलवान हो, बच जाता है। वाणी का दीर्घकालिक संयम हो तो क्रोध कितना भी आ जाए वो ही विल बी मोस्टली एबल टू कंट्रोल इट। और जिसने नहीं संभाला होगा कभी, तो वो तो साधारण ही उसकी वाणी स्खलित होती रहती है। जब परिस्थिति विशेष आएगी तो फिर क्या, फिर तो वो कहां संभाल सकता है। कोई मुझे समझा रहा था कि कुछ लोग जो हैं बोलने की बात सोचते हैं, कोई लोग बता रहे थे, हम भी सुन रहे थे, हमने भी थोड़ा सा जोड़ा उसमें। कोई लोग बोलने के पहले सोचते हैं, कोई लोग बोलने के बाद सोचते हैं। मैंने सोचते तो हैं, केवल इतना ही है फर्क। कोई कोई हैं अनोखे, वो बोलते हैं न इधर सोच न इधर सोच, विचार निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष दुनिया बोलती है। यहां यह है कि विचार निरपेक्ष वाणी पहले निकल जाती है, जीभ बाद में निकलती है कि अरे गलत बोल दिया क्या मैंने, फिर अब पछताए होत क्या।
तो दम जो है वो क्रोध के स्तर पे संयम का बहुत सुंदर उपाय है। और अगर क्रोध का एक बार व्यवहार रोक लिया गया तो सम्मोह हो नहीं सकता, स्मृति भ्रंश हो नहीं सकता, बुद्धि नाश हो नहीं सकता, आगे की सारी चीजें रुक जाती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आगे संयम का कोई क्षेत्र बचता है। एक बार सम्मोह हो जाए ना, माने जो संयम करने वाली बुद्धि है वही वही आक्रांत हो गई, तो इसके बाद नहीं, इसके बाद बहुत मुश्किल है। सम्मोह, स्मृति विभ्रम, बुद्धिनाश, यहां पर कुछ बात बनती दिखाई नहीं देती। यहां तो यही है कि भजन है, शरणागति पहले से है, तो परमात्मा स्वयं ही फिर संभाल करते हैं। और ये मेरा दृढ़ 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 विश्वास है कि उनकी जहां तक बात है तो वो तो आप चाहे कुछ भी हो, वो कहा जाता है कि खुदा मेहरबान तो मैं बोल देता हूं, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। वो सही है, बिल्कुल 1000% सही है, 100 नहीं। राई को पर्वत करे, पर्वत राई मां, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जहां तक हमारे आपके करने की बात है वो करना चाहिए आदमी को। तो ये रहा संयम का भिन्न भिन्न स्तर, भिन्न भिन्न आयाम। लेकिन मूलाधार एक बार फिर याद रख लें, संयम के उपदेश का मूल आधार यही है कि कोई भी स्वभाव प्राकृतिक नहीं होता, सभी का सभी सृजित है, और इसलिए वांछित का सृजन हो सकता है, अवांछित का त्याग हो सकता है। अब जो 64वां श्लोक है वो देखो आप, इसी 11 मंत्रों में जो 64वां है, 64वां और 65वां, ये गीता जी के अनुसार संयम की प्रक्रिया है। गीता जी स्वयं, गीता जी के अनुसार साधक कैसे संयम कर सकता है, इसकी एक दिव्य प्रक्रिया उन्होंने समझाई। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति रागद्वेषवियुक्तैस्तु। विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादमधिगच्छति रागद्वेषवियुक्तैः, रागश्च द्वेषश्च रागद्वेषौ तत्पुरःसराहीन्द्रियाणां प्रवृत्तिस्वाभाविकी।
पूरा ह बोलना ठीक नहीं है, आधा स बोलना चाहिए। अब गीता प्रेस में इन्होंने हर चीज की संधि विच्छेद कर दी, तो आगे स होने से, दंत्य स होने से विसर्ग का भी आधा स बनेगा, तो पुरस्सरा ये उच्चारण होना चाहिए। अब पुरस्सरा देखो, इसीलिए संधि करके बोलने में माधुर्य ज्यादा होता है। अब पुरस्सरा गलत नहीं है, लेकिन अब वो संधि विच्छेद करना जहां करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तत्पुरस्सरा ही इंद्रियाणां प्रवृत्ति स्वाभाविकी, तत्र यो मुमुक्षुर भवति। हाँ, कोशिश करिए संधि करके बोलने की, ये आपकी परीक्षा भी हो जाती है। संधि विच्छेद करना भी आना चाहिए तो संधि करनी भी आनी चाहिए। अब यहां मुमुक्षुर भवति ये बनेगा, तत्र यो मुमुक्षुर भवति सताभ्याम युक्तैः श्रोत्रादिभिः इन्द्रियैर्विषयान् अवर्जनीयान्। चरन्न उपलभमानः आत्मवश्यैः आत्मनो वश्यानि वशीभूतानि तैः आत्मवश्यैः विधेयात्मा। इच्छा तो विधेयात्मा, अन्तःकरणं यस्य सः अयं प्रसादमधिगच्छति, प्रसादः प्रसन्नता स्वास्थ्यम्। ये साधन प्रक्रिया है, बड़ी ही सुंदर, व्यावहारिक, करने लायक, हृदय को आनंद देने वाली साधना है। बोलते हैं भगवान, राग द्वेष वियुक्तैः तु इंद्रियैः विषयान् आचरन्न। विषयान् चरन्न, बोले साधक तुमको मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि तुम पांचों इंद्रियों को उपराम करके एक कोई गुफा ढूंढ लो और उसमें जा कर के घुस जाओ और अपने कुछ लोगों को कहना कि बाहर से गुफा बंद कर दें और फिर तुम संयम शिरोमणि हो जाओगे। ये कोई गीता का अथवा किसी हमारे शास्त्र का उपदेश नहीं है। इंद्रियै ही विषयान् चरन्न, सी द ब्यूटी, इंद्रियों के द्वारा, बहुवचन है, माने पांचों ज्ञान इंद्रियां, पांचों कर्म इंद्रियों के द्वारा इंद्रियक आचरण करो। और ये भी मैं शत्रु प्रत्यय में बोलता हूं, जितना आवश्यक हो उतना करो। चरण करते हुए, चरण करते हुए, किसका चरण और किसमें चरण? विषयान चरण, विषयांस्तेषु गोचरान। हाँ, इंद्रियों के चरने की भूमि को विषय बोलते हैं। इंद्रियां गाय की तरह चरती हैं विषयों के मैदान में। भगवान कहते हैं जाओ खेलिए मैदान में, सदगुरु की शरण लीजिए, खेलिए मैदान में। ये गुफा में अपने आप को बंद करके, तो ये पलायनवाद हमारे शास्त्र का कोई निर्णय नहीं है।
विषयान इंद्रिय ही चरन। बोले महाराज कौन सी इंद्रियां? बोले राग द्वेष वियुक्त ही। बस इंद्रियों का विशेषण क्या है? राग द्वेष वियुक्त ही इंद्रिय ही विषयान चरन। आगे का मुझे थोड़ा रेफरेंस लेना पड़ेगा। आगे जाके भगवान कहते हैं सारे विषयों में हर इंद्रिय का राग और द्वेष होता है। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। बोले ऐसा एक भी विषय नहीं है जहां इंद्रिय का अपना राग द्वेष ना हो। हमने इसको कई बार बोला होगा, जैसे स्वाद एक विषय है, कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे हर स्वाद पसंद है। रूप एक विषय है, कोई नहीं कह सकता कि हर रूप मुझको पसंद है, हर रंग पसंद है, कोई बोल नहीं सकता। स्पर्श एक विषय है, लेकिन इसकी मजाल है जो कहे कि हर तरह का स्पर्श हमको अच्छा लगता है। कांटा चुभाओ जरा, अच्छा लगता है तो कोई बोल नहीं सकता। कोई भी गंध तो आप समझते हो, दुर्गंध हो तो आदमी वहां से भागता है। राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, भगवान खुद इस बात को स्वीकार करते हैं। जीवन के यथार्थ को जब तक स्वीकार करके उपदेश न दिया जाए तब तक वह उपदेश निराधार होता है। एक ऐसा खोखला आदर्शवाद होता है जिसको कोई जी नहीं सकता। इट इज गुड टू हियर एंड गुड टू से, दैट्स ऑल। उसका कोई मतलब नहीं होता है। सो जीवन का जो यथार्थ है वो यही है कि हर व्यक्ति की एक एक इंद्रिय के अर्थ में लाइकिंग है और डिसलाइकिंग है, एंड इट इज विद एवरी वन। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। यस, ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है हमारे लिए? तयोर्न वशम आगच्छेत। बस तुम ऐसा करो, उनके हुक्म में मत रहना, उनकी आज्ञा में मत रहना, बस इतना तुम कर सकते हो। तयोर न वशम आगच्छेत तौ ही अस्य परिपंथिनौ। ये तुम्हारे इस मार्ग के लुटेरे हैं, ये कहा। उसको यहां मिलाना चाहिए राग द्वेष वियुक्त ही। जब परमात्मा आगे जाके ये कहने वाले हैं कि हर इंद्रिय का हर विषय में राग द्वेष है, और वो भी है नहीं व्यवस्थित है, तो आज यहां कैसे बोल सकते हैं कि इंद्रियों को राग द्वेष से वियुक्त कर दो? यहां आदेश क्या है? राग द्वेष वियुक्त ही इंद्रिय ही। तो बोले ये तो पहली ही बात असंभव है। ऐसी तो कोई इंद्रिय नहीं है जिसको मैं उसके राग द्वेष से अलग कर सकूं। आपने खुद ही आगे जाके बोलना है कि हर इंद्रिय का राग द्वेष तो है पड़ा हुआ। अब मुझे आज शिव जी का वो रंग पसंद नहीं आया, इसी बहाने बोल देता हूं, उठ के बोलना था लेकिन किसने पहनाया मुझे मालूम नहीं, मिथिलेश ने पहनाया, बट बड़ा ही साउथ इंडियन कलर दिखता है। सॉरी, कोई हो तो बुरा ना माने भाई, यहाँ है नहीं कोई, थैंक गॉड। वो लोग महाराज साड़ी भी माताएं वहां इस तरह की पहनती हैं, तो अब उनका पसंद है, अब आप क्या बोल सकते हो? उनका लाइकिंग वो है, हमारा नहीं है। तो वियुक्त ही कैसे बोल देंगे? गुजराती लोगों को अगर 3 दिन उनका खाना ना मिले, मुझे कहा गया, यहां तो साधना के लिए आए तो
अपना कमरे में जो होगा उसी से काम थोड़ा बहुत चलता होगा। लेकिन मुझे कहा गया कि 3 दिन, तीसरे दिन अगर न मिले तीर्थयात्री होंगे वो, तो फिर उस जगह से चल देंगे वो। इसलिए वैष्णवी देवी में भी गुजराती ढाबा अलग, बद्रीनाथ में भी मिल जाता है, क्योंकि वो तो उनका टेस्ट है। अभी बात अलग है कि गुजरात में पंजाबी ढाबा नहीं मिलता। मैंने महाराज सोमनाथ में मीठा समोसा खाया, समोसा बड़ा आनंद आया देख करके कि आहा, बहुत दिनों बाद, क्योंकि 1 महीने से टूर पे था। वो कृष्णलाल थे जम्मू के विद्यार्थी, हमारे सेवा में थे, बोले गुरुजी समोसे बिल्कुल बढ़िया बने हुए हैं, निकल ले आओ। हम 12-13 लोग थे, वो मेरे ख्याल से 24-25 ले आया होगा, चाहे और भी ज्यादा लाया होगा। जब पहला खाया हमने, उसमें भी चीनी थी समोसे में, हमने कहा शाबाश, अब इतने का होगा क्या? क्योंकि जो खाया उसका चेहरा देखने लायक था, बिल्कुल फोटो लेने लायक था। तो अब आप क्या करोगे? अब उस समय अगर मैं ये कहूं राग द्वेष वियुक्त स्तु इंद्रिय ही, कहे कि इंद्रिय ही, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि यस लाइकिंग है, डिसलाइकिंग भी है, लेकिन वो हमारे कर्म का नियामक नहीं बन सकती। कर्म का नियामक होगा विवेक, कर्म का नियामक होगा कर्तव्य बुद्धि, कर्म का नियामक होगा परमात्मा की प्रीति। चाहे हमारी इंद्री को कोई चीज कितनी भी खराब लगती हो, सो व्हाट, अगर परमात्मा हमारा उसमें राजी है तो वो हमको करना है। कई बार कोई व्यक्ति ऐसा हमारे घर में होता है जिसकी सेवा करनी होती है, बीमार होता है, उसका मलमूत्र साफ करना होता है, उसको उठाना पड़ता है, उसको सब करना पड़ता है, हमारा दूसरे करते हैं। तो मैं था वो ऑपरेशन के समय, तो खांसी आती थी, वो तो इन्फेक्शन जब भी होता था तो बलगम निकलता था, तो कोई न कोई बगल में होता था, वो नेपकिन में लेता था बाकायदे। मैं जब थूकता था तो उसको हाथ से लेना पड़ता था उस नेपकिन को, और फिर ले जाके रखना पड़ता। तो हमारा कोई, क्योंकि आप उस समय करने की स्थिति में नहीं थे, तो आपको भी करना पड़ता है कभी, तो क्या वो इंद्रियों को प्रिय लगती हैं क्या चीजें? प्रियता हमारे कर्तव्य का नियामक, हमारे कर्म का नियामक कभी नहीं होनी चाहिए। इसी को कहते हैं हम रुचि परायण जीवन बिल्कुल असंगत है, माने किसी भी तरह से सही नहीं है, न शास्त्रतः न विचारतः। कर्तव्य परायण जीवन होना चाहिए, ईश्वर परायण जीवन होना चाहिए। हम कोई चीज पसंद नहीं है, तुमको पसंद नहीं है, अगर पसंद के पीछे जाएंगे तब तो फिर कहां जाएंगे कुछ भी पता नहीं। हम ये चीज नहीं पसंद है, अगर इसके पीछे अब चलोगे तो बहुत अहित की बात हो सकती है। पसंद ना पसंद का कोई मतलब नहीं है साधक के जीवन में। साधक के जीवन में इस बात का मतलब है कि क्या होना चाहिए, वो अपने मूड के अनुसार नहीं चलता, विवेक के अनुसार, प्रीति के अनुसार, कर्तव्य बोध के अनुसार। जब व्यक्ति कर्तव्य को अपने नियामक के रूप में रख लेता है, अथवा प्रभु
प्रीति को, विवेक को, तीनों एक ही साथ चलते हैं, किसी का आपस में विरोध नहीं है। परमात्मा को कर्तव्य पसंद है, जो परमात्मा की आज्ञा है विवेक उसका जरूर समर्थन करेगा। परमात्मा की आज्ञा विवेक विरोधी थोड़ो होगी, ये तीनों एक ही बात है। बल्कि यस, एक से दूसरी बड़ी है विवेक, विवेक से बड़ा है कर्तव्य बोध, और कर्तव्य से भी बड़ा है ना ईश्वर की प्रीति। जब हम कहते हैं ईश्वर की प्रीति, तो उसमें विवेक और कर्तव्य बोध दोनों का अंतर्भाव है। फिर जब वो व्यक्ति आचरण करता है उन्हीं इंद्रियों से, और जितना करवाना चाहते हैं परमात्मा उतना करता है, विषयान बहुवचन है, विषयान चरण, लेकिन भाष्यकार ने विषयान शब्द के साथ एक शब्द जोड़ा अवर्जनीयान, अंडरलाइन कर लेना, विषयान अवर्जनीयान, ऐसे विषय जो वर्जित ना हो, वर्जित क्षेत्र में नहीं, विषयान अवर्जनीयान चरण, चलो करो जितना करना हो करो। और अगर ऐसा जीवन चलता रहा कर्तव्य की परायणता लेकर के, प्रीति परमात्मा की प्रीति का उद्देश्य लेकर के अगर व्यवहार होता रहा स्वधर्म के अनुसार, प्राप्त परिस्थिति के अनुसार, प्राप्त सामर्थ्य के अनुसार, खेलिए मैदान में, जितना मर्जी व्यवहार कोई करता हो, परम सक्रिय हो, तो भी ऐसा जीवन जीने से जो उपलब्धि होती है वो क्या होती है, बोलते हैं आत्मवश्यई। इंद्रियों पर अपना वश बढ़ता जाता है, ये भी देखना तृतीय बहुवचन है। सो इंद्रियों का ही विशेषण है, राग द्वेष वियुक्त ही इंद्रिय ही, कैसी इंद्रियां, आत्मवश्य ही, रागवश्य ही नहीं, कैसी, आत्मवश्य ही, इंद्रियां अपने वश में होती चली जाती हैं, वो हमारे लिए सचमुच में करण बन जाती हैं, हमारे लक्ष्य का संपादन करने में परम मित्र हैं, परम सहयोगिनी हैं, दुश्मनी नहीं है कोई उनसे, न हमारे मन से न हमारी इंद्रियां से, वही तो हमारी सहायिका हैं, प्रभु की कृपा से वो हमको प्राप्त हुई हैं। उनमें कोई कमी आज दिखाई देती है तो वो इसलिए है क्योंकि वो मेरे वश में होने की बजाय राग द्वेष के वश में है, माने उनका मालिक कोई और बना बैठा है, दैट इज द प्रॉब्लम। इंद्रियों में थोड़ो कोई प्रॉब्लम है, न मन में कोई प्रॉब्लम है, करण तो स्वतंत्र होता ही नहीं बेचारा, उसको क्यों दोष देना, मालिक को दोष देना चाहिए। तो राग द्वेष से निकालो, आत्मवश में ले आओ, और वो तभी होगा जब योग बुद्धि का कोई अनुष्ठान करे कायदे से, कनेक्शन मिला ना। प्रभु प्रीति परायण जीवन जब तक न होवे तब तक ये घटना घट नहीं सकती। कर्तव्य परायण चलो ठीक है, थोड़ा सूखा है वो, लेकिन अगर कोई राग परायण करता है जीवन, कोई आशा नहीं है ऊपर उठने की। तो आत्मवश्य ही इंद्रिय ही, राग द्वेष वियुक्त ही इंद्रिय ही, विषयान चरण, विषयों में चरण करते हुए, आचरण करते हुए, विचरण करते हुए, माने व्यवहार करते हुए साधक ने एक सिद्धि प्राप्त की। व्यवहार के परिणाम स्वरूप एक सिद्धि मिली,
यहां यज्ञ का परिणाम नहीं है, पुरस्चरण का परिणाम नहीं है, व्यवहार का परिणाम है। ऐसा चरण अधिगच्छति, आचरण अधिगच्छति, विचरण अधिगच्छति। किम अधिगच्छति? बोले प्रसादम। शायद ही किसी अनुष्ठान का ये फल होता हो। हाँ, प्रसाद के नाम पे लड्डू जरूर मिल जाएगा, लेकिन यहां जो प्रसाद कहा गया है तत् न अधिगच्छति। ये तो व्यवहार यज्ञ का परिणाम है, ये देखो। लेकिन व्यवहार ऐसा जैसा माता गीता बोलती है, व्यवहार ऐसा जैसा प्रभु बोलते हैं, प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम किम बोलते हैं? प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद प्रसन्नता। प्रसाद किसको बोलते हैं? बोले अंतःकरण की प्रसन्नता को। प्रसन्नता माने क्या? बोले स्वास्थ्यम। ये अंतःकरण अपने स्वभाव में आ गया। स्वभाव में आ गया माने विशुद्ध सत्व प्रधान है तो विशुद्ध सत्व प्रधान हो गया। सूक्ष्म तन्मात्राओं से बना है तो सूक्ष्मता प्राप्त हो गई। ये स्वास्थ्यम। आप सोचिए, दिस इज द वे ऑफ द गीता, वे ऑफ लिविंग। यस, गीता, गुरुदेव कहा करते थे, इट्स अ मैनुअल ऑफ लाइफ। ये जीवन विज्ञान है, जीवन की किताब है। एक बात बताने के लिए कि नहीं जी इसमें यही बात कही गई है, ऐसे बोलना उतना अच्छा नहीं है। और ये कोई संप्रदाय विशेष के लिए नहीं होता। हमारे महाराज जी बोलते थे कि धर्म का जो लक्षण हमारे शास्त्रों में है वह लक्षण विश्व के किसी साहित्य में होता नहीं। एक आचार्य के द्वारा चलाया हुआ एक संप्रदाय जिनमें कुछ मान्यताएं हैं उसको धर्म कहा जाता है, लोग रिलीजन बोलते हैं। इस शब्द की तुलना आप उस धर्म से कैसे करोगे जो जीवन विज्ञान है, जिसको किसी आचार्य ने नहीं चलाया? जो जीवन के दर्शन पर टिका हुआ हो, तो ये तो एक जीवन पद्धति है। और साफ बोलते हैं, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव। अगर आपको ये जीवन पद्धति अपनानी है तो मैं पहले से कहता हूं ये आपकी उपलब्धि होगी, वादा है। प्रसादम अधिगच्छति नारायण। समय नहीं देखा भाई, आपने नहीं देखा, अच्छा ही किया। क्योंकि एक बज गया, ध्यान ही नहीं रहा। ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।